हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में नर्सिंग फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ लर्न करने वाले हैं, जिसका नाम है हाइपोथर्मिया। इसके अंदर हम हाइपोथर्मिया का डेफिनेशन, कॉजेज ऑफ हाइपोथर्मिया, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथर्मिया, साइन सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया लर्न करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है हाइपोथर्मिया। ये देखते हैं हाइपोथर्मिया का डेफिनेशन। इफ द टेम्परेचर फॉल बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स जब हमारे शरीर का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, तो यह कंडीशन हाइपोथर्मिया कहलाती है। इफ़ द टेम्परेचर फॉल बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेंटीग्रेड, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज ऑफ हाइपोथर्मिया। यहाँ पर फर्स्ट कॉज है एक्सपोजर टू कोल्ड एनवायरनमेंट। कोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपोज होना, मीन्स बहुत अधिक ठंडे वातावरण में आना। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू कोल्ड, मीन्स जो कोल्ड फैक्ट्रीज हैं, बर्फ की इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ के संपर्क में आना पर्सन का बहुत अधिक समय तक। नेक्स्ट एज एक्सट्रीम, एल्डरली और न्यूनेट, मीन्स बहुत अधिक एल्डर होना और न्यूनेट होना जो हाइपोथर्मिया का वजह हो सकता है। एंडोक्राइन रिलेटेड हाइपोथायरॉयडिज्म, एड्रेनल इंसफिशिएंसी डिजीज कंडीशन जो एंडोक्राइन रिलेटेड है, ये भी हाइपोथर्मिया का कॉज हो सकती है। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड, सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हाइपोथर्मिया का कॉज हो सकती है। नेक्स्ट बर्न एंड इमोबिलिटी, दीज आर द कॉजेज ऑफ हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये थे कॉजेज ऑफ हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट देखते क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथर्मिया। प्राइमरी हाइपोथर्मिया, इट इज रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ ए प्रीवियसली हेल्दी इंडिविजुअल टू द कोल्ड, मीन्स जब पर्सन डायरेक्ट कोल्ड के संपर्क में आता है, मीन्स जब पर्सन बिल्कुल हेल्दी है और वो कोल्ड एनवायरनमेंट के कोल्ड के संपर्क में आता है, तो वो कंडीशन प्राइमरी हाइपोथर्मिया कहलाएगी। नेक्स्ट सेकेंडरी हाइपोथर्मिया, इट इज़ द हाइपोथर्मिया दैट रिजल्ट ड्यू टू ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए सीरियस डिसऑर्डर, मीन्स जब हाइपोथर्मिया किसी बीमारी के कारण हो, मीन्स उस हाइपोथर्मिया का कारण कोई भी बीमारी का कॉन्ट्रीब्यूशन हो, उस कंडीशन को हम सेकेंडरी हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट साइन सिम्टम देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट माइल्ड हाइपोथर्मिया, जो हाइपोथर्मिया का एक प्रकार है, इसमें जो टेम्परेचर है 34 to 35 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तो इस कंडीशंस को माइल्ड हाइपोथर्मिया कहेंगे। इसमें जो फीचर्स आएंगे, मैक्सिमम सिवरिंग, पेल एंड कोल्ड स्किन, स्लर्ड स्पीच एंड यूजुअली रेस्पॉन्सिव बट विद एपैथी एंड स्लो थिंकिंग, ये माइल्ड हाइपोथर्मिया का जो फीचर्स हैं, बहुत अधिक सिवरिंग होना, पेल एंड कोल्ड स्किन होना, स्लर्ड स्पीच होना, मीन्स आवाज़ का एक तरह से हक लाना, ठीक से नहीं बोल पाना, और पेशेंट का एपैथिक एंड अनरेस्पॉन्सिव होना और स्लो थिंकिंग होना। नेक्स्ट मॉडरेट हाइपोथर्मिया देखते हैं। यहाँ पर मॉडरेट हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर 32 to 33 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पर देखते हैं मोस्ट सेवरिंग केसेस, इंक्रीज मसल रिजिडिटी, शैलो ब्रीथिंग, बिग रैपिड एंड हार्ड टू डिटेक्ट पल्स। यहाँ पर जो फीचर्स हैं हाइपोथर्मिया के, जो मॉडरेट कंडीशंस में होंगे, इसमें जो सिवरिंग्स है, कुछ थोड़ा सिवरिंग जो सीज हो जाएगी, मीन्स बंद होना शुरू कर देगी लगभग, और मसल रिजिडिटी होगी, शैलो ब्रीथिंग होगी, बिग रैपिड पल्स होगी, और पल्स को हम हार्डली डिटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट सीवियर हाइपोथर्मिया देखते हैं। यहाँ पर इसमें टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस से बिल्कुल कम, लो 30 डिग्री। यहाँ पर जो फीचर्स होंगे, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कार्डिक अरिथमिया, पिपल फिक्स एंड डायलेटेड, मे अपियर डेथ। तो ये मोस्ट सीवियर केसेस में हाइपोथर्मिया के में मीन्स जो कॉन्शियसनेस है, लॉस होगा, डिसरिथमिया होगा, पिपल फिक्स और डायलेट होंगे, और पेशेंट डेथ को भी गेन कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया। पर
कंटिन्यू मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट की कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना है। नेक्स्ट रिवार्मिंग, इस पेशेंट को फिर से हमको वार्म प्रोवाइड करना है, मीन्स फिर से टेम्परेचर मेंटेन करना है। इसके लिए कोर रिवार्मिंग, कोर रिवार्मिंग प्रोसेस में वार्म फ्लूड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का हम यहाँ यूज करेंगे, जो हमारे शरीर के इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको फिर से थोड़ा वार्म करेगा। नेक्स्ट पैसिव एक्सटर्नल रिवार्मिंग, मीन्स हमारे जो शरीर का बाहर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए वार्म ब्लैंकेट या ओवर द पैड हीटर्स का हम यूज कर सकते हैं। ये हो गया एक्सटर्नल रिवार्मिंग के लिए जो प्रोसेस है। नेक्स्ट नंबर थर्ड में देखते हैं रिमूवल ऑफ द वेट क्लॉथ, जो भी गीले कपड़े हैं पेशेंट के आसपास उनको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट सपोर्टिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन, डिफिब्रिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वार्म आईवी फ्लूइड्स, यहाँ हम सपोर्टिव पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसके अंदर हम कार्डिक कंप्रेशन, डिफिब्रिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड वार्म आईवी फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ में कंट्रोल एनवायरनमेंट टेम्परेचर को कंट्रोल करना है हमको, प्रोवाइड एक्स्ट्रा हीट सोर्सेज, हीट लैम्प, वार्मर, ब्लैंकेट्स यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, प्रोवाइड वार्म टू द पेशेंट। नेक्स्ट एडमिनिस्टर फ्लूइड ड्यूरिंग रिवार्मिंग टू प्रिवेंट हाइपोवोल्यूमिक शॉक, मीन्स पेशेंट हाइपोवोल्यूमिक शॉक में नहीं चल जाए, तो इसके लिए हमको जो फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन है उसको करना है। नेक्स्ट रेगुलेट हीट सोर्सेज अकॉर्डिंग टू फिजिकल रेस्पॉन्स, मीन्स पेशेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमको जो हीट सोर्सेज है उनका टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो फ्रेंड्स ये था हाइपोथर्मिया का मैनेजमेंट, और हमारा जो आज का यहाँ पर वीडियो है यही हम इसको फिनिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस फंडामेंटल नर्सिंग नोट्स विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हेयर आनंद नर्सिंग फाइल, हेयर वी प्रोवाइड वेरियस नर्सिंग रिलेटेड मटेरियल, नर्सिंग नोट्स, नर्सिंग केयर प्लान, केस स्टडीज एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन एंड ऑल्सो अदर नर्सिंग रिलेटेड मटेरियल। सो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ऑल्सो। थैंक यू।